सैनिक उपज सभा और कैडेट क्लब ने शहीद लेफ्टिनेंट अरविंद शंकर दीक्षित का शहादत दिवस मनाया है। वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में कस्तूरबा महिला मंडल भवन में प्रार्थना सभा आयोजित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन ने जवानों ने सशस्त्र सलामी भी दी। आपको बता दें वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान शहीद लेफ्टिनेंट अरविंद शंकर दीक्षित ने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। शहीद लेफ्टिनेंट अरविंद शंकर दीक्षित ने 20 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अद्भुत साहस का प्रदर्शन करते हुए दुश्मन सेना को पराजित किया, लेकिन अंत में मातृभूमि की रक्षा करते हुए वे वीर गति को प्राप्त हुए। वीर शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए 25 सालों से राजनांद गांव के कान्याकुब्ज सभा द्वारा हर साल 20 दिसंबर को यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। शहादत दिवस के मौके पर 105 इंजीनियरिंग रेजिमेंट के सूबेदार पीबी शिंदे, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारी, भूतपूर्व सैनिकों सहित अन्य मौजूद रहे। इस अवसर पर देहरादून से पहुंचे 105 इंजीनियरिंग रेजिमेंट के सूबेदार पीबी शिंदे ने बताया कि शहीद के परिजनों के बीच पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। यहां पे अरविंद दीक्षित साहब के शहादत दिन के अवसर पर यहां प्रेजेंट या मौजूद रहा हूं। हमारी यूनिट हर साल में ये दिन यूनिट में भी मनाते और हर जो साहब के साथ जो शहीद हुए उनके घर वालों के पास भी एक एक जोशी साहब उनके यहाँ यह शहादत दिन के अवसर पर प्रोग्राम अटेंड करने के लिए जाते हैं।